हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है आपसे। इसमें आपसे कहा है प्रूव दैट टेन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। टेन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर का जो डिफरेंस है, यानी टेन स्क्वेयर में से साइन स्क्वेयर को सेट करें, यानी कि डिफरेंस का मतलब, यानी कि साइन स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर नहीं, टेन स्क्वेयर में से अगर हम साइन स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करें और ये डिफरेंस टेन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें इसे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अपने पास है टेन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो पहला चेंज हम जो यहाँ पे करेंगे, टेन को हम साइन और कोस का रेशियो लिख सकते हैं, यानी साइन अपॉन कोस। तो टेन स्क्वेयर है तो इसको हम साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वेयर थीटा को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वेयर थीटा हमें राइट साइड में चाहिए भी, तो साइन स्क्वेयर थीटा को अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा वन अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में वन बाई वन। अब साइन स्क्वेयर तो आ गया अपने पास, और इसके मल्टीप्लाई में अब हमें टेन स्क्वेयर और बनाना है, यानी इस चीज़ को हमें टेन स्क्वेयर बनाना है। तो यहाँ पे इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो अगले स्टेप में साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा कोस स्क्वेयर थीटा, और ऊपर बचेगा वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर थीटा के। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज, और इसको साइन स्क्वेयर थीटा और अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर होता है, और साइन स्क्वेयर अपने पास ये पहले से है, इंटू में टेन स्क्वेयर थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अगला सवाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास वन प्लस टेन स्क्वेयर वन माइनस साइन, और वन प्लस साइन का जो प्रोडक्ट है वो वन के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा और वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में वन प्लस साइन ऑफ थीटा, ये गिवन है। तो इसको एक बार हटा लेते हैं डिस्प्ले को। तो अब वन प्लस टेन स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। अब वन माइनस साइन और वन प्लस साइन का प्रोडक्ट ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगा दें तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा अपने पास, और सीकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वेयर थीटा के। सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो वन आता है, सीकेंट स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर इक्वल टू वन, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। और अगर ज़्यादा इसको करना चाहें आप सीकेंट स्क्वेयर को वन बाई कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में कोस स्क्वेयर थीटा पहले से ही है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, साइन स्क्वेयर कोट स्क्वेयर प्लस में कोस स्क्वेयर इंटू टेन स्क्वेयर इक्वल टू वन, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं, इरेज कर लेते हैं एक बार इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड वही काम, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं अपने पास साइन स्क्वेयर ए इंटू कोट स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इंटू टेन स्क्वेयर ए, और वन के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर ए एज इट इज, और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, यानी कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए,
प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू में, टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ओके, अगले स्टेप में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये अपने पास होता है वन, दैट इज इक्वल टू वन, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन प्लस साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन वन प्लस साइन टू बी प्रूव्ड इक्वल टू टू सीकेंट थीटा। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करेंगे, जो हम करते आए हैं वही यहाँ पे ले लेते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ये हमें इक्वल करना है टू सीकेंट थीटा के। तो इस केस में चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा इंटू वन प्लस साइन ऑफ थीटा, ऊपर बचेगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब राइट में हमें टू सीकेंट थीटा चाहिए, यानी कि टू अपॉन कोस, नीचे कोस चाहिए, कोस यूं कहीं चाहिए हमें, और वन प्लस साइन को कैंसिल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे अपने पास है कोस थीटा इंटू वन प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब वन का स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर और इस कोस स्क्वायर को इकट्ठा कर लें तो एक वन ये बन जाएगा, और प्लस में इनका प्रोडक्ट टू साइन ऑफ थीटा, और नीचे है कोस थीटा इंटू वन प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब वन प्लस वन टू और टू साइन थीटा, तो टू कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा वन प्लस साइन ऑफ थीटा, और नीचे अपने पास है कोस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, वन प्लस साइन थीटा कट जाएगा और ये अपने पास बचेगा टू अपॉन कोस थीटा, यानी कि टू सीकेंट थीटा, जो कि अपने पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू कोस स्क्वायर थीटा, एंड द राइट हैंड साइड इज वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये है अपने पास, नीचे और है डिनोमिनेटर टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और बी टर्म सेम है, तो यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में, टू ए बी टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। ये बनेगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टू साइन थीटा, और ये वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में टू साइन थीटा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा अपने पास। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है टू कोस स्क्वायर थीटा, वो यूं का यूं है अपने पास। ठीक है, अब टू ए बी की जो टर्म है अपने पास वो कैंसिल हो जाएगी, तो वन प्लस वन टू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस में टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर टू कॉमन आ जाएगा, टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा ये आ गया अपने पास, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में हमें चाहिए रिक्वायर्ड है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए। अब cos स्क्वायर है नीचे, cos स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को ले लेते हैं। ये हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर हमारे पास सिकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर हमारे पास कॉट कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। अब हम इसको साइन कोस के टर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, तो सिकेंट स्क्वेयर को हम 1 अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं और कोसेकेंट स्क्वेयर को 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर वाला फ्रैक्शन यू का यू लिख देते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, और नीचे वाला रेसिप्रोकल होके यानी पलट के जाता है साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1। अब साइन स्क्वेयर ऊपर है नीचे कोस स्क्वेयर, साइन और कोस का रेशियो हमारे पास होता है 10 और ये स्क्वेयर में है, तो इट इज 10 स्क्वेयर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम मिडल पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो मिडल पार्ट हमारे पास वो है 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट ऑफ थीटा एंड इट्स होल स्क्वेयर, और इसको भी हमें 10 स्क्वेयर थीटा के इक्वल शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे आप 1/1 और 10 थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब 1/1 कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वेयर हमारे पास है। ठीक है, तो अगले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। कोस थीटा एलसीएम यहाँ ऊपर आ जाएगा अपने पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे एलसीएम आएगा अपने पास साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने ऊपर इनका एलसीएम लिया है ये आया अपने पास, और नीचे इनका एलसीएम लिया है ये आया अपने पास, सिंप्लीफाई किया एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे है। ठीक है, तो इनका हम सोल्व करने के लिए ऊपर वाले फ्रैक्शन को यूं का यूं लिख देते हैं एक बार। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा एज इट इज, और मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल होकर जाएगा साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें टेन स्क्वेयर के इक्वल प्रूव करना है। साइन ये कोस ये, साइन अपॉन कोस जो है वो 10 होता है, और ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हमें इसे ख़त्म करना है। अब ये तो कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है, तो माइनस कॉमन लेकर हम इनको सेम कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस कोस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन में कोस थीटा है इसके। ठीक है, और मल्टीप्लाई में साइन थीटा है, और नीचे अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और इस सारे का होल स्क्वायर भी है अपने पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो साइन माइनस कोस है कट जाएगा, बचा गया अपने पास नेगेटिव साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा एंड इट्स अ होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस का स्क्वायर प्लस, साइन अपॉन कोस टेंजेंट और उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल जो है हमारे पास, वन प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कोस है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वन प्लस सेकेंड थीटा अपॉन में सेकेंड थीटा, और इसको इक्वल करना साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कोस के। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं कि नीचे सिंगल टर्म हो तो हम अलग अलग फ्रैक्शन बना लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। जैसे वन के नीचे सेकेंड थीटा प्लस में सेकेंड थीटा के नीचे सेकेंड थीटा, यानी ये एलसीएम अगर लें हम, सेकेंड एलसीएम आएगा ऊपर वन प्लस सेकेंड, तो उसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आप देखिए वन बाय सेकेंड क्या होता है, कोस थीटा, और सेकेंड बाय सेकेंड कट गया, वन आ गया, लेकिन हमें तो राइट में तो कुछ और ही चाहिए, नीचे वन माइनस कोस चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा करो, इसको वन प्लस कोस थीटा लिख लो, वन को पहले कोस को बाद में, और अपॉन में वन, ऐसा कर सकते हैं हम। अब राइट में हमें डिनोमिनेटर में वन माइनस कोस चाहिए, तो वन माइनस कोस थीटा से डिवाइड और वन माइनस कोस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे का नीचे। तो नीचे तो अपने पास वन माइनस कोस थीटा जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ गई। अब ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वन का स्क्वेयर माइनस कोस का स्क्वेयर। वन माइनस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर के। तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन माइनस कोस ऑफ थीटा, और यही अपने पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।